आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया से संदरे की सड़क पर जगह जगह जानलेवा बिजली विभाग का पोल और ननडेही स्थित रोपवे पर गिरा हुआ डोली, यानी जरा सी चूक और बड़ी दुर्घटना। झरिया शहर में सड़क पर बिजली विभाग पोल के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जगह जगह सड़क पर पुराना पोल गड़े हुए है, जिस पर ना तो जिला प्रशासन का ध्यान है और ना ही विद्युत विभाग के लोग ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि किसी बड़ी अनहोनी दुर्घटना के इंतजार कर रहे हैं अधिकारी। सड़क पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के सामने अचानक पोल आ जाने के कारण चकमा खा जाते हैं, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना के आसार बढ़ गए हैं। आइए ऐसे ही कुछ बिजली विभाग के पोल को हम दिखाते हैं, जहां से गुजरते समय सतर्क रहने की जरूरत है। बड़ी दुर्घटना के बाद शायद जिम्मेदार विभाग की नींद भी खुलेगी। हादसों को दावत दे रहा शहर के ये सड़क के ऊपर झरिया संदरी मुख्य मार्ग पर नुनडेगी में बीसीसीएल के पुराने रोपवे के ऊपर गिरा हुआ डोली किसी बड़े हादसे को निमंत्रण देता हुआ दिखता है। बीसीसीएल के अधिकारी की नजर पड़ रही है और ना ही जिला प्रशासन की। ये लोग किसी भी बड़ी अनहोनी या घटना का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सारे अधिकारी और जिला प्रशासन की नींद खुलेगी। आइए ऐसे ही कुछ नुनडेगी में सड़क के बीचों बीच रोपवे पर गिरा हुआ डोली को हम दिखाते हैं, जहां से गुजरते समय सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, घटना के बाद ही विभाग की नींद खुलेगी। झरिया से मनोज साहू की रिपोर्ट। जो बिजली का पुल सड़क में खड़ा हुआ है, निश्चित क्योंकि मामला संज्ञान में आ गया है, तो उसके जो यहाँ एरिया कहीं ना कहीं तो कमजोरी है यहाँ प्रशासन के भी। डेली वो पार हो रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी नहीं कुछ कहते हैं। निश्चित तौर पर कमजोरी तो नहीं बोलेंगे, हो सकता है क्योंकि कोविड के टाइम में अभी सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं और गाड़ियां चल नहीं रही थी, इसलिए शायद ध्यान न गया हो। लेकिन चूंकि अब जो है सब लोग वापस अपनी दिनचर्या में लौट रहे हैं, इसलिए इसमें संज्ञान लेना जरूरी है। और मेरा जो काम है कि मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, इसको जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। देखिए, हंसी आती है हमारे बीसीसीएल के सीएमडी साहब और डायरेक्टर साहब लोगों का। उसका रीजन ये है हंसी आने का, ये लोग कार्यालय में अपने बैठे रहते हैं। पूर्व के पदाधिकारी पहले क्षेत्र में घुमा करते थे, लोगों के विषय में जानकारी रखते थे, कोलवरी के विषय में जानकारी रखते थे, हर यूनिट हर क्षेत्र की जानकारी रखते थे। आज कोयला भवन में सारे पदाधिकारी एसी रूम में बैठे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कहां पर क्या गिरने जा रहा है, कहां कौन सी टूटने जा रहा है, कहां ब्लास्टिंग किस तरीके से हो रही है। आप जो मुख्य मार्ग पर आप बता रहे हैं कि डोली लटकी हुई है और वो जो बना हुआ है आपको स्ट्रक्चर, वो गिर जाएगा निश्चित रूप से। ये अंग्रेज के जमाने के बाद से आपका वहां पर ये चल रहा था। आज के डेट में ना ही बालू भराई होती है और ना ही उस डोली से कोयला उत्पादक होता है, परंतु आप देखेंगे कि बीसीसीएल के क्षेत्र में कई ऐसे जगह पर आप देखेंगे जो उनके पूर्व में बना हुआ कोलरी में सहयोग करने वाला व्यवस्था था, वो सारे व्यवस्था को उसी तरह छोड़ दिया गया है और निश्चित रूप से कभी भी बहुत बड़ा दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। माना गया, देखिए सेफ्टी कमिटी और फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये लोग जो कंपनी का ऑपरेशन करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर जो ऑपरेशन करते हैं, इनको तो मिला कर रखते हैं ये लोग। कहां सेफ्टी लेना है, कहां सेफ्टी नहीं लेना है, कहां पर हम डेंजरस में हैं, जिससे खतरा हो सकता है, जिससे लोगों को खतरा पहुंच सकता है, कहां सेफ्टी कमिटी धनबाद सेफ्टी ऑफिसर सीरियस है, कहां पर आप देख रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जांच कर रहे हैं। आप बताएं कि कोई भी यूनिट में सेफ्टी ऑफिसर का अचानक जांच हुआ हो। माना जाए तो बीसीसीएल कहीं घटने के इंतजार करती है। निश्चित रूप से धनबाद के भारत कोचिंग को लिमिटेड के पदाधिकारी अगर अपने कंपनी में सेफ्टी को मेंटेन करते हुए काम करे, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि कहीं भी कभी भी कोई भी घटना जल्द नहीं होगी।
घटना हो सकती है, लेकिन इतना लापरवाह है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सेफ्टी ऑफिसर धनबाद बीसीसीएल के इतने लापरवाह हैं कि उनकी लापरवाही, कोयला भवन के पदाधिकारियों की लापरवाही, फुलौरी क्षेत्र के महाप्रबंधक और एजेंट की लापरवाही के चलते बार बार धनबाद की धरती पर बड़ी बड़ी घटना को अंजाम होते देखा है। और आने वाला समय में अगर इस पर सही तरीके से जांच नहीं हुई, सही तरह से एक बातें रखा कि डोली का घटना, ये बहुत बड़ा घटना का अंजाम होने जाएगा और इतना बड़ा दुर्घटना होगा जो कि धनबाद की धरती पर चर्चा का विषय रहेगा। हम समझते हैं इसमें प्रशासन भी लापरवाह, अगर प्रशासन इसको बहुत जल्दी टेकअप करे और ध्यान दे तो सीएमडी को इस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा।